हेलो गाइस, स्वागत है आपका दापावा टेक्निकल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्मार्ट एलईडी में जो ब्लूटूथ ऑप्शंस होता है उस ब्लूटूथ को अपने नॉर्मल होम थिएटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो होम थिएटर को एलईडी से कैसे कनेक्ट करें विदाउट वायर के। आपके एलईडी में ब्लूटूथ होना ज़रूरी है। अगर आपके एलईडी में ब्लूटूथ है तो आप होम थिएटर को बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जैसे कि आप इस अपने टीवी में मेन्यू बटन दबाते हैं और सेटिंग्स पर आप जाते हैं। जैसे कि आप टॉप में सेट राइट में देख रहे हैं सेटिंग्स आते हैं, सेटिंग्स पे आप ओपन करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो इस सेटिंग्स पे जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने सेटिंग्स खुल के आ जाएगी। ठीक है जी, तो जो सेटिंग्स आती है खुल के तो सेटिंग्स आपके कुछ इस तरीके से आएगी और सबसे लास्ट में रिमोट एंड एसेसरीज का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं रिमोट एंड एसेसरीज, इस पे आपने ओके कर देना है। तो ओके ही करेंगे, जैसे ही आप ओके करेंगे तो इसमें आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि आपका ब्लूटूथ तो आ नहीं रहा है इसमें, तो यहाँ पे ऐड एसेसरीज लिखा रहा है, ब्लूटूथ का लोगो ऐड एसेसरीज आ रहा है, इस पर आपने ओके करना है। ठीक है जी, जैसे ही आप इस पर ओके करते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शन जैसे आता है कैंसिल करने के लिए और ओके करने के लिए, तो आपने ओके करना है इस पर। तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो सर्चिंग फॉर एसेसरीज, अगर आपके घर पे जो होम थिएटर लगे हुए हैं और आपने वहाँ पे ब्लूटूथ मोड ऑन किया हुआ है तो आपका सर्चिंग में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बीटी मेरा होम थिएटर है तो मुझे इसमें डाउन करना है और बीटी पर ले जाके अगर मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं आप क्या पेयरिंग करने के लिए कह रहा है, पेयरिंग ले भी रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ ही सेकंड का यहाँ वेट करते हो, यहाँ पे कहता है पेयरिंग करने के लिए ओके करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही पेयरिंग करता हूँ, ओके करता हूँ वहाँ पे, तो मेरा जो ब्लूटूथ होम थिएटर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है बहुत ही आसानी से। यहाँ पे अगर मैं इसे बैक करके अपने नॉर्मल कोई चैनल्स अगर आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, कहने का मतलब अगर आप चाहें यूट्यूब इस पर चलाएँ या आपका कोई नॉर्मल सेट टॉप बॉक्स अगर आपके टीवी पर चल रहा है तो उसकी साउंड आप सुन सकते हैं। देखिए जी, दोस्तों साउंड आपने सुना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पीकर इतना दूर रखा हुआ था और इतनी दूर से अपना जो होम थिएटर है वो मैंने अटैच किया हुआ था ब्लूटूथ की मदद से। तो अपने टीवी में अगर आपके टीवी में ब्लूटूथ हैगा तो उससे आप अटैच कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कस्टमर पूछते हैं इसको अगर डीपेयर कैसे करना है, अगर आपको टीवी के साउंड में जाना है तो दोबारा से उसके सेटिंग्स में जाने के बाद में रिमोट एसेसरीज पर आप जाएंगे तो सेम प्रोसेस होता है इसको डीपेयर करने का। ठीक है जी, अगर आपने पेयरिंग कर रखा है तो उसको रिमोट एसेसरीज पे क्लिक करेंगे, आपका जो ब्लूटूथ था इस पे जैसे कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा है तो इस पे आपने ओके करना है। और ओके करने के बाद में डिसकनेक्ट या अनपेयर दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हैं। अनपेयरिंग हट जाएगी, अनपेयर करेंगे और डिसकनेक्ट पे ओके करते हैं तो आपका जो है होम थिएटर वो डिसकनेक्ट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो ये छोटे से इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट टीवी से सेटअप बॉक्स से सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू।